वज़ीर आज़म अनवारुल हक ककड़ दो रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर गार्ड ऑफ आनर की तकरीब में शिरकत की है। शहदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए हैं और फातह अख्वानी की है। आपको बताते चले कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ककड़ दो रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर गार्ड ऑफ आनर की तकरीब में शिरकत की है। शहदा की यादगार पर फूल भी चढ़ाए हैं और फातह अख्वानी भी की है। आपको बताते चले कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ककड़ दो रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर गार्ड ऑफ आनर की तकरीब में शिरकत की है। वज़ीर आज़म की जानिब से यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़वाई गई और फातह अख्वानी की गई। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म वज़ीर आला सेक्रेटरीट में यादगार शहदा पर गार्ड ऑफ आनर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक ककड़ दो रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सेक्रेटरीट में यादगार शहदा पर हाजिरी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह अख्वानी की। निगरान वज़ीर आज़म को वज़ीर आला सेक्रेटरीट में यादगार शहदा पर गार्ड ऑफ आनर की तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दो रोज़ा सरकारी दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सेक्रेटरीट में यादगार शहदा पर हाजिरी। निगरान वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह अख्वानी की। आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दो रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर गार्ड ऑफ आनर की तकरीब में शिरकत की। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह अख्वानी की। आपको बताते चलें कि निगरान वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह अख्वानी किया। निगरान वज़ीर ये जो आई आर सेंसर है ये फायर को डिटेक्ट करता है, और जब ये फायर को डिटेक्ट करता है ये अलार्म बजना स्टार्ट करता है। तो सर इसको हम घरों में और रेस्टोरेंट्स में यूज कर सकते हैं फायर्स। गुड, वेरी गुड। इनको आप भी क्या अल्टरनेट एनर्जी से पावर कर रहे हैं, सोलर से या एक प्रोजेक्ट सोलर वाला भी एक्जेक्टली है। मैं जो आज प्रोजेक्ट बनाया है ये है क्विज बोर्ड। इसको बनाने का यह मकसद भी है, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी तो हमारे पास मौजूद होता है, बट हमें ये पता नहीं होता उसका जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं, इसीलिए मैंने बनाया है। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो अनवारुल हक है। जब हम इसमें लगाएंगे तो लाइट आ जाएगी, जब हम किसी और भी लगाएंगे तो लाइट नहीं। इसी तरह हमारे पास बाकी क्वेश्चन भी है व्हिच आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, हमारे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ तो आसिम मुनीर अहमद है। जब हम इसमें लगाएंगे तो लाइट आएगी, और किसी और क्वेश्चन का आंसर भी लगाएंगे तो लाइट दीजिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ दो रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म ने यादगार शहदा पर गार्ड ऑफ आनर की तकरीब में शिरकत की। वज़ीर आज़म की जानिब से यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए गए और फातह खानी की गई। आपको बताते चले कि चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आज़म को मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म दो रोज़ा दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सेक्रेटरीट में यादगार शहदा पर हाजिरी। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यादगार शहदा पर सर मैंने स्क्रैच पर प्रोग्रामिंग की है। मैंने गेम बनाया कंप्यूटर एजुकेशन में। बेसिकली स्क्रैच इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय किड्स जस्ट लाइक मी। और ये गेम बनाने का मकसद ये था कि यूजुअली वी आर द कंज्यूमर्स, सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कंज्यूमर्स के बजाय हम प्रोड्यूसर्स बनने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। वाई डोंट ट्राई टू बी द कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स। हम कोई चीज़ बनाएं और जिन्हें ये बताएं कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। सो ये गेम मैंने स्क्रैच पर बनाया। प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ईजी है आजकल तो 6th, 7th और छोटी उससे भी छोटी क्लासेस के बच्चे इस पर गेम्स खेलते हैं। बस ब्लॉक को ट्रैक एंड ड्रॉप करना पड़ता है।
अच्छा ये सर एंटरप्रेन्योरशिप बच्चे अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, इनको बिजनेस प्लान बनाना सिखाया जाता है, कैसे आप इसको मार्केट करना है, खुद पेंटिंग खुद बनाया आपने? एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं, खुद अपने हाथों से कोई चीज़ को रीयूज़ या रिड्यूस या कुछ भी करके हम चीज़ें बनाते हैं। तो मैंने ये जो इयररिंग्स बनाई हैं, ये मैंने जो कैप नहीं होती पेप्सी की बोटल्स की, उससे बनाए हैं ये। और ये वाले मैंने कोक की बोटल्स, डोंट वेस्ट द वेस्ट का जो लोगो है उसको हमने फॉलो करके ये चीज़ें बनाए हैं। मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि इसी तरह हम अपनी मेहनत के चीज़ें बना के बाहर बेच के हम खुद की ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हमारा एंटरप्रेन्योर का सामान है। मेरा आइडिया ये है कि हम जब देखते हैं स्केचिंग्स बनाते हैं, ये ज्वेलरीज बनाते हैं, जिसके ज़रिए लोगों की ज़रूरियात भी पूरी होती है और हमें फ़ायदा भी होता है। हम लोगों ने ये बेस बनाए जो आप बना रही हैं। So now it's mandatory part of their curriculum. Good, good, good. Yeah, but the painting. Very well done. Yeah, my entrepreneurship का भी है। जो एक जो हमें सर्विस, हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, बनाने के बाद ये लोग नहीं करते, इसका मेन मकसद ये कि हम आपके लिए इनकम जनरेट करें। Good. हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको और सीएस आपको बहुत शुक्रिया। इस प्रोजेक्ट के तहत एंटरप्रेन्योरशिप से हमें आइडिया मिला कि हम अपने स्किल्स को किस तरह यूज़ करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि हम अपने लिए अपने अपने हाथों से, मेरे पास टैलेंट था कुछ स्केचेस और पेंटिंग का, तो मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर चैनल्स बनाए जिनकी वजह से मैं अपने आप तक अपने हाँ बेटा, हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप का एक मॉडल है। हमारे पास एक एआई है जहाँ पर प्रॉब्लम है, इंसान नहीं कर रही है तो नहीं कर रही है, दूसरा मतलब एआई है। वेल डन, ये ख्याल कैसे आया आप? इसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट इशू। ठीक है, और ये जो कन्वर्जन है ना एनर्जी कन्वर्जन, अगर ये सही मानों में एक्सप्लॉइट हो जाए तो आगे पाकिस्तान के एनर्जी में। जी वाले हमने एक पजल वायर गेम बनाया जिसमें हमने ओपन एंड क्लोज सर्किट का लड़कियां मुझे लगता है ज़्यादा टैलेंटेड हैं। वाह, इसका कॉन्सेप्ट बताओ कैसे? ये बताएं कि कैसे इस मशीन को पता चलता है?
कहाँ से सिग्नल जाता है? बेसिकली रीसाइक्लिंग करती है लोग हमारे सिस्टम का प्रोजेक्ट है और डिटेक्टर स्मार्ट हाउस है। ये ज़्यादातर घर में हाथ लगती है, गैर डिटेक्टर पता नहीं चलता है। यहाँ पे दो इमीडिएट चेकिंग हैं, आई आर सेंसर चेकते हैं इन प्राइवेट, उसका मतलब इन प्राइवेट से आई आर एक लेडी जो है वो आई आर रिवेस को एक ऑब्जेक्ट के साथ इमेज सेट किए तो दूसरी लेडी फिर से करती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। सर, मैंने ब्लाइंड प्रोजेक्ट बनाया ब्लाइंड पीपल्स के लिए जो ब्लाइंड होते हैं। इसमें हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किए, बजर यूज़ किया, आर्डिनो चिप यूज़ की जिसमें कोडिंग की गई है। कोई भी हर्डल या कोई ऑब्जेक्ट आए तो ये उसको डिटेक्ट करता है और